तुमने कभी सेब खाया? खाया। क्या तुमने कभी अनार खाया? खाया। क्या तुमने कभी केला लिया? क्या तुमने कभी केला खाया? खाया। तो फिर तुम लोगों ने चेरी मोया भी खाया होगा। तो रोमान इसको तो किवानो मेलन तो खाया ही होगा। फिर तुमने खाया क्या? अरे कहना क्या चाहते हो? आलू है, गोभी है, टमाटर है, मटर है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको दिखाया, आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि आज की वीडियो फीचर करेगी कुछ यूनिक फ्रूट्स जो आपने मार्केट में बहुत ही कम देखे या खाए होंगे। चेरी मोया, ये हार्ट शेप फ्रूट साउथ अमेरिका का नेटिव फ्रूट है। ये खाद्य फल देने वाले प्लांट्स की स्पीसीज है। ये फ्रूट आपको बाहर से रफ टफ लग रहा होगा, मगर एक्चुअल में ये फ्रूट बाहर से स्मूथ और क्रीमी है, बिल्कुल कस्टर्ड की तरह। इसलिए इस फ्रूट को एक सेकेंडरी नेम भी दिया गया है, कस्टर्ड एप्पल। मार्क ट्वेन, जो कि एक अमेरिकन राइटर, पब्लिशर और लेक्चरर भी हैं, उन्होंने इस फ्रूट के बारे में ये डिस्क्राइब किया था कि ये राइप यानी कि पका हुआ चेरी मोया, जो कि पाइनएप्पल और बनाना के शेप को ब्लेंड यानी कि मिश्रित करता है। किवानो मेलन, ये फ्रूट कोई मेलन या देखने में पाइनएप्पल लगे, मगर ये किवानो मेलन है। आप लोगों ने इस फ्रूट को स्टार ट्रैक की सीरीज या मूवीज में देखा ही होगा। नहीं। ये फ्रूट आउटर स्पेस से आया होगा ऐसा लगता है, मगर नहीं, ये फ्रूट एक्चुअली में साउथ अफ्रीका, कैलिफोर्निया और न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ये एक येलो कलर का चमकीले हरे जेली जैसा फ्रूट होता है, वो भी एडिबल फ्रूट्स यानी कि खाए जाने वाले सीड्स के साथ। इस फ्रूट का कटर्सी फ्लेवर यानी कि खट्टा स्वाद होता है, जिसे खाने पर शायद आपका मुंह कुछ ऐसा हो जाए, मगर नहीं, इसका रियल टेस्ट ऐसा लगता है कि ये कुकुम्बर, लाइम और बनाना का मिक्सचर है। रूमनिस्को, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कोई कॉलीफ्लावर है या ये कोई ब्रोकली है, मगर आपको इन दोनों सब्जियों की हल्की हल्की झलक इस वेज में मिल सकती है, लेकिन इस वेज की भी एक अपनी ही अलग पहचान है। इस सब्जी की ओर कैप्टिवेटेड यानी कि आकर्षित ना होना ये जरा सा मुश्किल है, और वो भी इसके ब्राइट ग्रीन कलर और परफेक्ट स्पाइरल्स को देखने के बाद। कुछ लोग इसके टेस्ट को ब्रोकली और कॉलीफ्लावर के टेस्ट का मिक्सचर समझते हैं। इसके बनाने का तरीका वैसा ही सेम है जैसे कि ब्रोकली और कॉलीफ्लावर का होता है। ये वेजिटेबल कुछ जगहों पर लोकल भी पाई जाती है। नंबर 4, ड्रैगन फ्रूट। आप लोग ड्रैगन फ्रूट से तो परिचित होंगे। नहीं। ये ड्रैगन फ्रूट रियल में किसी ड्रैगन का फ्रूट नहीं, बल्कि नेचुरल फ्रूट है। फ्रूट्स की दुकान पर इस अटेंशन गिविंग करने वाले फ्रूट को ब्राइट पिंक आउटर स्किन और ग्रीन स्केल्स यानी कि हरे रंग के तराजू के लिए इस फ्रूट को थैंक्स देना कोई हार्डवर्क तो नहीं। सेंट्रल और साउथ अमेरिका के लोग इस ड्रैगन फ्रूट को पिताया भी बोलते हैं, जो कि येलो कलर में भी पाया जाता है। इस फ्रूट का इतना जूसी और रिफ्रेशिंग होने के अलावा ये ड्रैगन फ्रूट विटामिन सी और फाइबर का भी एक गुड सोर्स है। इस फ्रूट में भी पियर जैसा हल्का स्वाद होता है, जिसके सीड्स कीवी की तरह क्रंची और ब्लैक होते हैं। मगर इसके वाइल्ड अपीयरेंस के अलावा भी जब ड्रैगन फ्रूट को खाने की बात आती है तो इसका कोई नया तरीका सामने नहीं आता। बस इसे भी बाकी फ्रूट्स की तरह चॉप यानी कि इसे आधे में काट लो, स्पून से इसके वेस्ट को निकाल लें और इसे पीसेस में काट कर इसका ऑसम टेस्ट लें।
नंबर 5 सैमफायर। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये कैक्टस या छोटा सा बैम्बू है तो इसका जवाब है नहीं। परेशान ना हो, ये कोई कैक्टस या छोटा सा बैम्बू नहीं, ये सिर्फ सैमफायर है। इस फ्रूट को खाली सैमफायर ही नहीं बल्कि इसे सेलिकॉनिया, सी एस्फेरेगस और सी बीन्स भी बोला जाता है, जो कि 2 वैरायटीज में अवेलेबल है, रॉक और मार्शी। ये फ्रूट आसानी से जंगल में उगा जाता है, मगर इसकी खेती भी सॉल्ट वाटर के फार्म्स में भी की जा सकती है। सॉल्ट फ्लेवर के साथ ग्रीन कलर का शेड देते हुए मार्श सैमफायर भी एक क्रंची वेजिटेबल है। इसे कि उसी टेस्ट के अकॉर्डिंग स्टीम्ड या रॉ यानी कि कच्चा या उबाल के खाया जा सकता है।